हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार दाकर स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज हम RHEO 2013 का सॉल्व पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले RHEO, SADO और ADH के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज अ इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रिस्टीजा इंसेट्रस। तो दोस्तों, जो ट्रिस्टीजा डिसीज होती है उसके लिए इंडिकेटर कौन सा प्लांट होता है? तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इज करेक्ट आंसर, मतलब दोस्तों सोर लाइम। तो इसका कौन सा दोस्तों? ऐसे लाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडेरिन। तो दोस्तों, इसका कौन सा है? सोर ऑरेंज है। कौन सा दोस्तों? सोर ऑरेंज। याद रखिए दोस्तों, जो मैंडेरिन के लिए जो बेस्ट सुटेबल रूट स्टॉक है कौन सा है? सोर ऑरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिस्टेंस केप्ट इन मिडो ऑर्चर्ड सिस्टम इन गोवा। तो दोस्तों, किसी के भी मिडो ऑर्चर्डिंग का जब आता है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग का, तो उसमें दोस्तों जो प्लांट से प्लांट डिस्टेंस होती है वो लेस देन 1 मीटर होती है, 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो प्लांट से प्लांट डिस्टेंस 1 मीटर लेस देन 1 मीटर कौन सा है? ए ऑप्शन। तो जो पहला तो रो टू रो डिस्टेंस होती है, और जो दूसरा जो है जो क्या होता है दोस्तों, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 2×1 मीटर। बेंडिंग इन गावा प्लांट फेवर। तो दोस्तों, जो गावा में बेंडिंग करते हैं वो किसी लिए करते हैं? हम बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं। किसके लिए? बेटर फ्रूटिंग के लिए करते हैं, ना कि क्वालिटी के लिए। तो याद रखिए दोस्तों, फ्रूटिंग ज़्यादा, मोर नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए हम उसमें बेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज कमर्शियली यूज इन ग्रेप फॉर बेरी इलोंगेशन। तो दोस्तों, जो सेल इलोंगेशन करता है वही बेरी इलोंगेशन करेगा। तो ये कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कौन सा? जिब्रेलिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप्स। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें TSS का हम देखते हैं, और जो मोस्टली इसका TSS कितना होता है? 18 से 22 के बीच में। कितना होता है? 18 से 22 के बीच में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मिर्ग बहार। दोस्तों, यहाँ पर मिर्ग बहार की बारी है। किसकी? हस्त बहार में तो अक्टूबर में होता है, और जो अंबे बहार होता है उसमें कब होता है? फरवरी मार्च में होता है, लेकिन इसमें मृग बहार है। तो कौन सा होगा दोस्तों? जून जुलाई। कौन सा होगा? जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पपाया। दोस्तों देखो, ये तो पपाया डायरेक्ट पूछा है, लेकिन अगर इसमें जो अनड्राई फ्रूट होता है, कच्चा फ्रूट होता है, उससे पेपेन एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसमें जो दूध निकलता है, जो लेटेक्स निकलता है, उससे पेपेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ फ्रूटिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। तो दोस्तों, जो बेर होते हैं, जो जिसके हम खाते हैं, जो बरा आता है, इसको साउथ में बर बोलते हैं, हम बेर बोलते हैं, तो उसमें फ्रूटिंग का जो है कौन सा, सॉरी, प्रूनिंग का कौन सा बेस्ट टाइम है? तो डियर फ्रेंड्स, जो बेर में प्रूनिंग करते हैं, बेर समर डोरमेंट होता है, तो स्पेशल सही आंसर तो मई जून है, बट इसमें मई जून सही से नहीं ऑप्शन है, तो हम अप्रैल और मई हम इसमें बेस्ट ऑप्शन देंगे। विच इज अर्ली मैचरिंग वेराइटी ऑफ बेर। तो डियर फ्रेंड्स, गोला इज अर्ली मैचरिंग वेराइटी। कौन सी है? गोला इज अर्ली मैचरिंग वेराइटी। और दोस्तों, उमरान जो है ये रियली कमर्शियल वेराइटी है। इसे पूछा जाता है कि कौन सी कमर्शियल वेराइटी है, तो उमरान। व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांट डिस्टेंस ऑफ पपाया। तो फ्रेंड्स, पपाया का 2×1.5
टू होता है, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पपाया का याद रखिए, गावा का याद रखिए, और स्पेशल हमारा आप देखें बनाना का याद रखिए। विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस, दोस्तों विच वैरायटी ऑफ पपाया इज डायोसियस, तो इन्होंने डायोसियस के बारे में पूछा है, ना कि गायरोडायोसियस के बारे में पूछा है दोस्तों। तो ये पूसा ड्वार्फ इज डायोसियस, कैसा दोस्तों, पूसा ड्वार्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल एज रूट स्टॉक इन बेर, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेर के लिए मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक कौन सा है। तो जिजीपस रोडनीफोलिया है दोस्तों, कैसा है, जिजीपस रोडनीफोलिया जो टर्माइट का रेसिस्टेंट है। फ्लावरिंग टाइम इन आमला अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन, तो डियर फ्रेंड्स, आमला की फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, फुटबॉल डिफ्रेंसिएशन जो कुछ भी होता है उसका जो बेस्ट ऑप्शन है मार्च अप्रैल में होता है। कब होता है डियर फ्रेंड्स, मार्च अप्रैल। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा है, मार्च अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल का ड्वार्फ कौन सा है, तो M9 है। ये तो आपको अच्छे से मालूम है, हम पहले कई सारे वीडियोज में ये डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपके लिए हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो उसका जो क्वेश्चन है कि एप्पल का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा है और उसका क्रॉस क्या है। डियर फ्रेंड्स ये 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नॉन एज, दोस्तों जो विनेगर होता है जो एप्पल जूस से बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिडार। और जो कैश्यू एप्पल से बनता है उसे फेनी बोलते हैं, जो पियर से बनता है उसे पेरी बोलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिए प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुहारा प्रिपरेशन, तो दोस्तों छुहारा खाद को खाते हैं, तो खाड्रवी याद रखिए, कौन सा, खाड्रवी याद रखिए। हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ जामुन, तो डियर फ्रेंड जामुन कब आता है, बरसात के जब आने वाले होते तब आता है, तो कौन सा हो गया इसका, जून जुलाई याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जून जुलाई। विच रूट स्टॉक इज यूज्ड फॉर सपोटा प्रोपेगेशन, किसके लिए दोस्तों, सपोटा प्रोपेगेशन के लिए। तो आपको पता है इसमें खिरनी को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, खिरनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर, तो दोस्तों आपको मालूम है कि बेर में जो मक्खी होती है, फल मक्खी, उसका बड़ा प्रॉब्लम है और इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई, तो दोस्तों जो अनार बटरफ्लाई है उसका इसमें साइंटिफिक नहीं, आइसोक्रेटा तो होता है लेकिन यहाँ पे कुछ और होता है, तो इसका आंसर सही आइसोक्रेटा होता है, उसमें आइसोक्रेट्स होता है लेकिन उसका यहाँ पर नाम कुछ और होता है उसका, तो इसमें नन डी आंसर जाएगा, कौन सा आंसर जाएगा, डी नन जाएगा। हैन एंड चिकन इज द डिसऑर्डर ऑफ, तो जो दोस्तों हैन एंड चिकन किसका डिसऑर्डर है, ग्रेप का है, इसमें बेरी छोटी रह जाती है और जो उसके बीच में पड़ी रहती है, किसके बीच में, जो उस बड़ी बड़ी बेरीज होती हैं उनके बीच में वो पड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स मुझे अनार बटरफ्लाई का नाम याद आ गया है, इसका होता है ब्रेचोला आइसोक्रेट्स, क्या होता है फ्रेंड्स लिख लीजिए, ब्रेचोला आइसोक्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो ब्रेचोला आइसोक्रेट्स इसका होता है, तो इसमें कोई आसान नहीं है, तो याद रखिए इसका। सिट्रस कैंकर जो डिसीज, तो फ्रेंड्स जो सिट्रस कैंकर होता है वो कैसा डिसीज होता है, तो ये बैक्टीरियल डिसीज है, कैसा, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिसीज है। और दोस्तों जो गमोसिस होता है वो फंगल डिसीज होता है, कैसा होता है, फंगल डिसीज। प्रॉपिंग ऑपरेशन इज डन इन, प्रॉपिंग किस में करते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपिंग, सेकरिंग और डिनाबलिंग, ये सब बनाना में इंटरकल्चर ऑपरेशन है, किस में, बनाना में। तो प्रॉपिंग, डिनाबलिंग, डीसेकरिंग, अर्थिंग आप ये बनाना में करते हैं। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, तो दोस्तों इसमें फिंगर टिप डिसीज होती है, किसके कारण, क्लोज प्लांटिंग कारण फिंगर टिप डिसीज होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार जेआरएफ एसआरएफ में भी आ चुका है।
ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज है, तो दोस्तों ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और किसके कारण होता है, जो ईंट के भट्टे होते हैं इनकी जो चिमनी होती है, ईंट के भट्टों से निकलने वाला धुआं होता है उनके कारण होता है ये रोग। विच पेस्ट इज कॉज डैमेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो। तो फ्रेंड्स, जो मैंगो का जो फ्लावरिंग टाइम जो होता है उस टाइम कौन सा पेस्ट सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, कौन सा है दोस्तों? मैंगो हॉपर है। कौन सा? मैंगो हॉपर, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्परेगस इज अ वेजिटेबल, तो डियर फ्रेंड्स एस्परेगस है पेरिनियल वेजिटेबल। कैसी है? पेरिनियल वेजिटेबल है। सेलरी इज अ वेजिटेबल, तो दोस्तों बहुत सिंपल है, लीफी वेजिटेबल है सेलरी। कैसा है? लीफी वेजिटेबल है। अगर इसमें हम अगर वही स्टेम वेजिटेबल की बात करते हैं तो स्टेम वेजिटेबल कौन सा है? तो दोस्तों एक तो स्पीयर है, और एक नॉल कॉल है, और भी हैं रूट वेजिटेबल, तो कैरेट है, बीट रूट है, और फ्रूट वेजिटेबल में तो मोस्ट ऑफ सभी सोलनाइजेशन फ्रूट्स सभी फ्रूट वेजिटेबल हैं, तो याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी आर रेडी इन वीक्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड। तो ओवरऑल हम अगर फ्रेंड्स वेजिटेबल्स नर्सरी की बात करते हैं तो 4 से 6 वीक में मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बेस्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी कंटेंट। तो फ्रेंड्स हाईजेस्ट विटामिन सी तो अपना किसमें होता है? ड्रमस्टिक लीव्स और कोरिएंडर लीव्स में होता है, लेकिन इसमें तो चिल्ली सही करेक्ट आंसर है। किसमें दोस्तों? चिल्ली। कैरेट में विटामिन ए होता है, ब्रिंजल में विटामिन बी बी ग्रुप होता है, रेडिश में भी थोड़ा सी होता है लेकिन बहुत कम होता है। विच इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो का फ्रूट बोरर है, सभी को पता है फ्रेंड्स। किसका? टोमेटो का क्या है? फ्रूट बोरर है। ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय। तो डियर फ्रेंड्स, जो ब्लॉसम एंड रॉट होता है किसका? टमाटो का, जो कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। किससे? कैल्शियम डिफिशियंसी होता है। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ पूछना है हमसे, आपके कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक डाउट का 100% आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नॉट नेमेटो टोमेटो इज कॉज्ड बाय। तो दोस्तों जो टोमेटो और सोलेनसेस में जो रूट नॉट नेमेटोड होता है वो कौन सा होता है? मेलाडोगाइनी स्पीसीज होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ए मेलाडोगाइनी स्पीसीज होता है। व्हाट इज द आइडियल सीड रेट ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोमेटो। दोस्तों अगर 1 हेक्टेयर में अगर हम टमाटर की हाइब्रिड की सीड रेट अगर जानना चाहते हैं तो बुक्स में तो 100 से 150 ग्राम लिखा है, लेकिन इसमें क्या है? 100 to 125 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपीन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज अबव। तो फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, जो लाइकोपेन डेवलपमेंट होता है टोमेटो में वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 25 के ऊपर जाता है तो उसका लाइकोपेन कंटेंट कम होता जाता है। कितना दोस्तों? लाइकोपेन कंटेंट कम होता जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पियर शेप्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो। तो दोस्तों जो टमाटो की पियर से वैरायटी होती है वो कौन सी है? इसमें इसका मीनिंग कौन सा है? पियर से वैरायटी, तो कौन सा दोस्तों? पूसा रूबी जो है वो बहुत ही अच्छी और पियर से वैरायटी है। हाउ फ्लावर फ्रूट फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिल्ली कैन बी कंट्रोल बाय द स्प्रेइंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, जो फ्लावर ड्रॉप होता है चिल्ली में, इसमें NAA 50 ppm अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करता है। लीफ कर्ल वायरस वायरस ऑफ चिल्ली इज ट्रांसमिटेड बाय। तो लीफ कर्ल जो होता है वायरस जो होता है चिल्ली का, वो किससे ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स? व्हाइट फ्लाई से ट्रांसफर होता है। किससे? व्हाइट फ्लाई से ट्रांसफर होता है, तो याद रखिएगा।
बिटरनेस इन विटर गैस इज ड्यू टू। तो दोस्तों जो करेले में का कड़वापन किसके कारण होता है, किसे, मोमोडिसिन उसके कारण होता है। सेक्स पॉम ऑफ कुकुम्बर इज, तो दोस्तों जो सेक्स पॉम है कुकुम्बर की, जो प्रिमिटिव सेक्स पॉम, कौन सी है, हर्माफ्रोडाइट है। कैसी है दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट है। लेकिन अगर यहीं पे एडवांस सेक्स पॉम हो जाता है तो मोनोशियस है। विच वन इज मोनोशियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन ओनियन। तो दोस्तों ओनियन में क्या है, प्रोटेंड्री होती है। कैसी होती है, प्रोटेंड्री। इसके कारण उसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है दोस्तों प्रोटेंड्री, व्हेन द मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल पार्ट, तो इसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। जब हमारा जो स्टिग्मा, सॉरी, जो एंथर्स होते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं अंतर, जो उससे पहले मैच्योर हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन दी इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ वराइटी ऑफ टोमेटो। तो डियर फ्रेंड्स, जो फूसा रूबी होती है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है। कैसा है, इनडिटर्मिनेट टाइप है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडिटर्मिनेट मीन्स ये पॉली हाउस के लिए सूटेबल है। किसके लिए, पॉली हाउस कल्टिवेशन के लिए सूटेबल है। ओरिजिन ऑफ चिल्लीज, तो दोस्तों आपको मालूम है चिल्ली का ओरिजिन कहाँ पर है, मैक्सिको है। कहाँ पर, मैक्सिको है। लिटिल लीफ डिसीज और ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, तो दोस्तों ये किससे होते हैं, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO। तो इसमें माइकोप्लाज्मा दिया है, और ये जिंक से भी होती है। किससे होती है, जिंक से भी होती है। तो याद रखिए, थोड़ा हम स्पीड रखेंगे फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल क्रॉप इज रिकमेंडेड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। दोस्तों इसका आंसर ब्रिंजल है, लेकिन एक्चुअली तो अभी इनमें से कोई सी भी अभी तक रिकमेंडेड नहीं हुई है, क्योंकि इसको अभी इन्वायरमेंटल कमिटी का अप्रूवल कमिटी का इसको परमिशन नहीं मिली है। तो ये भी अभी कमर्शियल कल्टिवेशन नहीं किया जाता है। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट इन ब्रिंजल फॉर सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों इसमें 100 मीटर सर्टिफाइड सीड के लिए रखा जाता है। कितना, 100 मीटर। ब्रिंजल ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है इसीलिए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, तो दोस्तों पोटैटो का तो शिमला है, शिमला में है, स्पेशल कुफरी एरिया में है। पोटैटो क्रॉप इज प्लांटेड एट द स्पेसिंग ऑफ, तो पोटैटो डियर फ्रेंड्स 30x30 पे भी प्लांटेड होता है, लेकिन एक्चुअल अगर पोटैटो की बराई जो है तो उस कितने पे है, 45x30 सेंटीमीटर, 45x30 सेंटीमीटर। लेकिन जो कम विग्रेस वैरायटी हैं वो 30x30 पर भी होती हैं। विच केमिकल इज यूज टू ब्रेक डोरमेंसी इन पोटैटो, तो दोस्तों उसमें 1% थायो यूरिया का यूज किया जाता है। कितना, 1% थायो यूरिया का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, तो दोस्तों पोटैटो का जो ट्यूबराइजेशन होता है वो कितने पे होता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे होता है फ्रेंड्स, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। सेप्टेम्बर इज द वैरायटी ऑफ, सेप्टेम्बर दोस्तों कैबेज की है। सेप्टेम्बर एंड अगस्त इज द वैरायटी ऑफ कैबेज। विच क्लाइमेटिक फैक्टर इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर, तो दोस्तों ये क्या है, ये जो कर्ड इनिशिएशन, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर रहते हैं। किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इन कुल क्रॉप, तो दोस्तों सर्टिफाइड सीड के लिए 1000 मीटर होता है इसमें, और जैसे फाउंडेशन सीड वगैरह करते हैं तो उसमें ज़्यादा होता है। वीडियो सीड वगैरह 1500 से 1600 मीटर होता है। ब्राउन इन कॉलीफ्लावर ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ बोरोन से होता है, बहुत से मोलिब्डेनम से बिप्टेल होता है, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी से बटनिंग होता है। डायमंड बैक मॉथ इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ, तो फ्रेंड्स डायमंड ब्लैक मॉथ जो है, जो किसका सीरियस पेस्ट है, ये कॉलीफ्लावर का है और कैबेज का है। तो इसमें कॉलीफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोकरा इज रेसिस्टेंट टू येलो बीन मोजेक वायरस, तो दोस्तों अर्का नामिका भी रेसिस्टेंट है, अर्का उफारी भी रेसिस्टेंट है, पंजा पद्मिनी भी रेसिस्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इज डी, सभी जो हैं ऑल ऑफ द अबव इज रेसिस्टेंट फॉर येलो बीन मोजेक वायरस।
व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टर ऑफ समर सीजन ऑफ ओकरा। तो फ्रेंड्स जो ओकरा की समर सीजन के लिए जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, तो ये दोस्तों 18 से 20 केजी होता है। कितना होता है? 18 से 20 केजी होता है समर के लिए, गर्मियों के लिए। लेकिन अगर यहीं पर हम रैनी ओकरा की बात करते हैं तो 10 से 12 केजी होता है। विच इज द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ ओकरा? तो दोस्तों ओकरा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों येलो वीन मोजाइक वायरस का है। किससे? येलो वीन मोजाइक वायरस, YVMB बोलते हैं इसको। ओकरा इज अ मेंबर ऑफ फैमिली, तो दोस्तों एवरी वन इज नो मालवेसी फैमिली के अंदर आता है ये। इट इज कम्स अंडर द मालवेसी फैमिली। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर? तो दोस्तों जो पूछा संयोग बहुत ही फेमस F1 हाइब्रिड है कुकुम्बर का। बाकी ये सभी जैसे पूछा मेघदूत बोटलगार्ड का है, पूछा संदेश भी बोटलगार्ड का है, पूछा नवीन भी बोटलगार्ड का है, ये सभी बोटलगार्ड की वैरायटियां हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट इज डायोसियस? तो फ्रेंड जो कौन सा डायोसियस, पॉइंटेड गार्ड है, स्कारलेट गार्ड है, एवी गार्ड है, ये सभी डायोसियस होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ मस्कमेलन? तो दोस्तों जो अर्का ज्योति है वो किसकी वैरायटी है? मस्कमेलन की नहीं है। कमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरोट कैन नॉट बी डन एट। तो दोस्तों कमर्शियल सीड प्रोडक्शन है यूरोपियन टाइप कैरोट का, वो कहाँ पर नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों यूरोपियन का सभी हिल में होता है। हिल में मीन्स सभी को अच्छा लो टेम्परेचर चाहिए, ये टेम्परेट टाइप का है, इसलिए ये जबलपुर के अंदर इसका सीड प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। बाकी किन्नौर है, श्रीनगर है, कैटरन, सभी जगह में इसका सीड प्रोडक्शन हो सकता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टर ऑफ कैरट? तो दोस्तों 5 से 6 किलोग्राम होता है कैरट के लिए। कितना होता है? 5 to 6 kg होता है। तो इज द करेक्ट आंसर। डिलेड रार वेस्टिंग, ये दोस्तों हार्वेस्टिंग होना चाहिए इन रेडिस मे कॉजेज, तो ये क्या होना चाहिए? हार्वेस्टिंग होना चाहिए, हार्वेस्टिंग कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो जो हम अगर देरी से हार्वेस्टिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों? तो उसमें पिथिनेस हो जाती है, तो आपने देखा होगा रेशे से बन जाती है और उसमें एक पिथ डेवलप हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पिथिनेस बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेट टाइप वैरायटी ऑफ रेडिस? टेम्परेट टाइप कौन सी वैरायटी है दोस्तों? पूछा है हिमानी, जो हिम से रिलेटेड है, जहाँ हिम मीन्स बर्फ, तो टेम्परेट टाइप होगी दोस्तों, याद रखिए। और दोस्तों रैपिड रेड एंड वाइट भी टेम्परेट टाइप है। बाकी पूछा चेत की जापानीज वायर, ये तो समर में भी ग्रो की जा सकती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाउडी मिल्यू रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पी? तो फ्रेंड्स जो जवार मटर P5 है वो पाउडर मिल रेसिस्टेंट है। बाकी इसके अलावा ये बहुत पुरानी वैरायटी है फ्रेंड्स, इतना पुरानी वैरायटी नहीं पूछना चाहिए लेकिन क्या करें, लोग पूछ लेते हैं। व्हाट इज आइडियल स्विमिंग टाइम ऑफ अर्ली वैरायटी ऑफ पी? तो फ्रेंड्स देखिए आपको अर्ली अगर जब करना होता है तो इसका मेन तो सितंबर मंथ होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अर्ली वैरायटी पूछ लिया है तो इसको अगस्त सितंबर भी लिख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ गार्लिक? तो गार्लिक की एग्रीफोन लाइट रेड ऑनियन की वैरायटी है फ्रेंड्स इसकी, तो एग्रीफोन व्हाइट उसी की, एग्रीफोन पार्वती भी गार्लिक की है, यमुना सफेद भी गार्लिक की वैरायटी है। तो ये एग्रीफोन लाइट रेड किसका है? ऑनियन का वैरायटी है। द येलो कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ, तो क्यूसेटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? क्यूसेटिन के कारण होता है येलो कलर। आपको मारा में लाइकोपेन तो टमाटर बहुत पाया जाता है, इसके कारण टमाटर लाल होता है। कैरोटिन, कैरोटा पाया जाता है, जिससे कैरोटिन, कैरोटिन के कारण लोग जो जड़ें होती हैं कैरेट की कैसी होती हैं? हल्की सी येलो होती हैं। और दोस्तों जो बहुत ज़्यादा रेड, सुर्ख रेड जो कैरेट होता है उसमें कैरेटिन कंटेंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ऑनियन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन खरीफ सीजन? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, खरीफ सीजन को एग्रीफोन डार्क रेड है, N53 है,
ये दोनों वैरायटी किसके लिए हैं, खरीफ के लिए सूटेबल हैं। बोल्टिंग इन ओनियन टेक्स प्लेस ड्यू टू द, तो दोस्तों जो बोल्टिंग होता है ओनियन ओनियन में वो किसके कारण होता है, हाई टेम्परेचर कारण होता है। किसके कारण होता है, हाई टेम्परेचर और फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर उसके कारण भी बोल्टिंग होता है। तो ये मेनली तो किसके कारण, हाई टेम्परेचर कारण बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग किसको बोलते हैं, जो फ्लावर का स्टाक निकल जाता है बल्ब से उसको बोल्टिंग बोलते हैं, मीन्स फ्लो इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टाक इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। विच पोर्शन ऑफ प्लांट इज कंसिडर फ्री फ्रॉम वायरसेस, तो दोस्तों जो मेरिस्टेम का होता है वो उसको वायरस फ्री बोलते हैं। किसको, मेरिस्टेम इज फ्री फ्रॉम वायरस, इसलिए इसको मेरिस्टेम का कल्चर किया जाता है, इसको मेरिस्टेम कल्चर भी बोलते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोपगेशन मेथड इज, तो दोस्तों सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग तो अगर हम इनमें से देखा जाए तो मैंगो में भी करते हैं, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है। गावा में तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉमग्रेनेट में भी नहीं है, जैकफ्रूट में भी नहीं है। तो मैंगो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो मेनली तो कौन सा होता है, विनर ग्राफ्टिंग होता है, एपिकोटल ग्राफ्टिंग होता है, और तो ये इसी को बोलते हैं सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस टू टू टाइप प्लांट, तो सीड से दोस्तों टू टू टाइप्स नहीं मिलता है, तो ये तो करेक्ट टाइम टिश्यू कल्चर टू टाइप मिल जाता है, कटिंग से मिल जाता है, नर्चिंग से मिल जाता है। पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन, तो मैंगो में होता है, सिट्रस में होता है, जामुन में भी होता है, तो इनको दोस्तों पॉलीएम्ब्रोन बोलते हैं। और एक दोस्तों बताएं, ये सभी सीड रिकल्सिटेंट हैं, कैसे हैं, रिकल्सिटेंट हैं। अगर इनको हम सुखा देंगे तो इनकी जैसे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो ये मर जाते हैं, ये जर्मिनेशन नहीं होता है, तो इनको इमीडिएट सोइंग करना पड़ता है। किसके, जो एक्सटेक्शन के, द कन्वर्जन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट इनटू प्रोडक्टिव प्लांट कैन बी डन बाय, तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, टॉप वर्किंग के तरह होता है। टॉप वर्किंग प्रोसेस है जिसमें प्लांट को जमीन से आधा से 1 मीटर के हाइट पर कट कर दिया जाता है, और जिसमें जो स्प्रोट निकलते हैं उन स्प्रोट में से कुछ स्प्रोट सिलेक्ट करके उनको ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है, तो इससे जो अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड होता है वो न्यू ऑर्चर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग, तो दोस्तों ये कौन सा है, आईबी है। कौन सा है, आईबीए, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन कटिंग, तो दोस्तों आईबीए है। माइक्रो ग्राफ्टिंग इज यूज टू प्रोड्यूस सिट्रस प्लांट फ्री फ्रॉम, तो दोस्तों अगर माइक्रो ग्राफ्टिंग करते हैं तो स्पेशल वायरस फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए, वायरस फ्री प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्शन के लिए। स्वीट पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय, तो दोस्तों जो स्वीट पोटैटो होती है वो किससे प्रोपोगेट होती है, वाइन कटिंग, जो उसकी क्लाइंबर होती है, जो उसकी बेल होती है, उसकी कटिंग करके लगा देते हैं उनके नोट्स को, तो इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। स्टूलिंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज, तो दोस्तों पोमगेट में सपोटा गावा और आलाप देवा, तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें जो स्टूलिंग करते हैं वो इस किस में करते हैं, तो गावा में करते हैं, और स्पेशली तो स्टूलिंग किस में होता है फ्रेंड्स, उसमें होता है एप्पल के रूट स्टॉक प्रोडक्शन के लिए स्टूलिंग करते हैं। किसके, एप्पल के रूट स्टॉक के लिए। तो इसमें आलाप देवा आंसर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो सपोटा वगैरह में तो इस तरह कुछ करते नहीं है पोमगेट वगैरह में, तो गावा इज द करेक्ट आंसर स्टूलिंग के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, तो रिफ्रेक्टोमीटर से करते हैं, इसको हैंड रिफ्रेक्टोमीटर भी बोलते हैं। वेजिटेबल्स आर कैंड इन, तो वेजिटेबल के दोस्त ब्रैन ब्रेन ब्रैन मतलब इसमें साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको ब्रैन बोलते हैं। इसमें वेजिटेबल्स को डिप करके रखते हैं, और जो अगर शुगर के लिए, सॉरी फ्रूट्स के लिए शुगर सिरप बनाते हैं तो उसको सिरप बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन को सिरप बोलते हैं। फ्लेम पिलिंग इज डन फॉर, फ्लेम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक होता है लाई पिलिंग होता है फ्लेम पिलिंग, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लाई पिलिंग होता है वो किसके लिए करते हैं दोस्तों, पोटैटो या कैरेट कैरेट के लिए करते हैं, लेकिन फ्लेम पिलिंग स्पेशली किसके लिए करते हैं, ओनियन के लिए। फ्लेम मतलब फ्लेम, फ्लेम से पिलिंग करना है ओनियन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर कॉर्डियल प्रिपरेशन, तो लेमन है दोस्तों, एवरी वन नो।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग। प्री कूलिंग क्या होता है दोस्तों, जब ऐसे खेत से हम कोई प्रोडक्ट हार्वेस्ट करते हैं तो तुरंत उसको लाके एक चैम्बर बने होते हैं या तो उनमें डाल देते हैं जिसमें इनका टेम्परेचर कम होता है, मीन्स जो फील्ड में जो धूप लग रही होती है जिसके कारण जो गर्मी होती है उसमें उसको निकाल देते हैं, उस गर्मी को बोलते हैं फील्ड हीट। फील्ड में होने वाली हीट, उसको फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए प्री कूलिंग करते हैं। स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज एसोसिएटेड फॉर द जजिंग मैच्योरिटी इन। तो दोस्तों स्टार्च आयोडीन जो टेस्ट होता है तो इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट कई सारी बुकों में दिया है, जर्मेशन जो होता है उसमें दिया है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना है कि ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट एसोसिएट फॉर द जजिंग मैच्योरिटी इन, तो ये किसकी मैच्योरिटी के जज करने के लिए होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग प्रू प्योर फ्रूट जूस इज। तो दोस्तों अगर इसमें से हम फ्रीजिंग करते हैं या कैनिंग करते हैं, कार्बोनेशन करते हैं या पाश्चराइजेशन करते हैं, तो दोस्तों जो बेस्ट वे है किसको प्रिजर्विंग करना प्योर फ्रूट जूस को, तो दोस्तों उसको पाश्चराइज करके पैकिंग कर दो। तो इस तो बेस्ट होता है कि पाश्चराइज कर दो। तो सही आंसर कौन सा है दोस्तों, डी इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व फ्रूट जूस। अ गुड जाम शुड बी कंटेन इनवर्ट शुगर। तो दोस्तों इसमें 68% लगभग शुगर परसेंट होता है, तो ये 70 के नियर वाला सबसे अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयरिंग बेस्ट जेली। तो दोस्तों जेली तो गावा की सबसे फेमस है, तो बी आंसर। विच प्रिजर्वेटिव इज यूज टू प्रिजर्विंग टोमेटो केचप। तो दोस्तों जितने भी कलर्ड जो होते हैं उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट। फॉर पिकल मेकिंग वन वन कैन यूज मैक्सिमम परसेंट ऑफ साल्ट। तो दोस्तों इसमें 15% साल्ट यूज कर सकते हैं पिकल के लिए, इससे ज़्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एज। कासरगढ़ है दोस्तों, केरल में आता है। पाल्मीरा पाम इज अ नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। एवरी वन नोज ट्रॉपिकल अफ्रीका पाल्मीरा पाम। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों सबको मालूम है, लोग चाइना समझते हैं लेकिन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, मैंगो, बनाना, कैशियो एंड मिल्क। तो याद रखिए दोस्तों ये कुछ ब्रॉड हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, इनमें इंडिया का पहला स्थान है। टू लीप एंड अ बर्ड इस टाइप ऑफ पिकिंग इन। तो दो लीफ और एक दो पत्ती और एक जो बर्ड होता है दोस्तों टी की हार्वेस्टिंग करते हैं। लीडिंग कार्डमम ग्रोविंग स्टेट इन इंडिया। तो क्या है दोस्तों, केरला है सबसे ज्यादा, केरला में होता है कार्डमम। कहाँ पर होता है, केरला में। पनीर वन इज द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ। तो ब्लैक पेपर का है दोस्तों, पनीर सीरीज किसकी है, ब्लैक पेपर की है। विच सिस्टम ऑफ टैपिंग इज यूज इन बडिंग प्लांट ऑफ रबर। तो दोस्तों विच सिस्टम ऑफ टैपिंग इज यूज इन बडेड प्लांट। तो दोस्तों जिसमें H2D2 होता है ना उसको हम बडेड प्लांट में यूज करते हैं। और दोस्तों जो जिसमें एक प्रॉपर एंगल होता है, प्रॉपर डेप्थ होती है दोस्तों, ये इसके लिए यूज करते हैं। प्रॉपर टाइम होता है, डेज कितने बार करना है। टी मस्कुट बैग इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ। तो दोस्तों इसको टी लगा है तो टी का नहीं समझना है, एक कैश्यू नट का सीरस पेस्ट है टी मस्किटो बग। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इन कैशू। तो मार्च अप्रैल आता है दोस्तों कैशू के लिए, कब, मार्च अप्रैल में कैशू हार्वेस्टिंग होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मार्च अप्रैल में बेर का भी हार्वेस्टिंग होता है, मार्च अप्रैल में आमला का हार्वेस्टिंग भी होता है। तो याद रखिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य गंगा वैरायटी ऑफ कोकोनट इज डेवलप्ड थ्रू क्रॉस बिटवीन।
तो दोस्तों ये किसके होता है, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी एंड गंगा बॉर्डम से होता है। किससे दोस्तों, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी एंड गंगा बॉर्डम का क्रॉस है। कौन सा, लक्ष गंगा। कोकोनट बिलोंग टू फैमिली, तो दोस्तों कोकोनट किस फैमिली में आता है, पाल्मी में आता है। किस में आता है, पाल्मी में। तो सारे जो पाम होते हैं दोस्तों पामी में आते हैं। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट इज, तो गंगा बॉर्डम जो है दोस्तों कैसी है, ड्वार्फ है। बात बेस्ट कोस्टल, ईस्ट कोस्टल, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, ये सभी टाइल वैरायटी हैं। विच स्पीसीज ऑफ रोज इज ग्रोन फॉर बे हायर रिकवरी ऑफ प्रेसेंशियल ऑयल, तो दोस्तों जो रोजा डाम से ना होता है वो लगभग 0.3% रिकवरी देता है ऑयल का। कितना, 0.3% देता है, याद रखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ बडिंग इन रोज अंडर द नॉर्थ इंडियन कंडीशन, दोस्तों बडिंग हमेशा इसमें किस में करते हैं, वो ठंडों में करते हैं, तो जनवरी फरवरी जो होता है उसमें बडिंग के लिए बेस्ट टाइम है। विशेष कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्पॉट डिसीज इन रोज, तो दोस्तों जो होता है डिप्लोकार्पोन रोजी जो होता है, ये रोज ब्लैक स्पॉट होता है, इसका कॉजल एजेंट है। किसका, ब्लैक स्पॉट डिसीज ऑफ रोज। द बॉटनिकल नेम ऑफ अमलतास इज, तो केशव पिस्टूला है। क्या है दोस्तों, केशव पिस्टूला है, येलो कलर फ्लावर होते हैं और ये बहुत रोड के किनारे आजकल लगाया गया है, बड़ा सुंदर फ्लावर होते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ डेलोनेक्स रेजिया, तो दोस्तों ये डेलोनेक्स रेजिया का क्या है, ये गुलमोहर है और इसमें इसका नाम नहीं है। नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। बोगनविलिया इज प्रोपेगेटेड बाय, तो दोस्तों हार्डवुड कटिंग से, कैसे प्रोपेगेशन होता है बोगनविलिया का, किसे, हार्डवुड कटिंग से। विच इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लान एस्टेब्लिशमेंट, तो कौन सा है लान बनाने का दोस्तों, टर्फिंग इज द क्विकेस्ट मेथड फॉर लान एस्टेब्लिशमेंट। कौन सा दोस्तों, टर्फिंग। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटमन क्यून, तो दोस्तों जो ईस्टर्न ब्यूटी है, ऑटमन क्यून है, गुलदाउदी है, सेवंती है, किसको बोलते हैं, क्राइजेंथेमम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्राइजेंथेमम को बोलते हैं। क्राइजेंथेमम इज अ प्लांट दोस्तों, दोस्तों 100 डे प्लांट है क्राइजेंथेमम। कैसा है, सबको मालूम है 100 डे है। और लॉन्ग डे कौन सा है दोस्तों, विंटर में जैसे कार्नेशन है और स्वीट विलियम है, और इसके अलावा अपना जो भी अपने विंटर वाले प्लांट्स हैं दोस्तों, कैसे होते हैं, लॉन्ग डे होते हैं। हाउ मच सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैरीगोल्ड टू राइज सीलिंग फॉर 1 हेक्टेयर, तो दोस्तों 1 से 1.5 kg सीलिंग जब की जरूरत होती है, सीड्स की जरूरत होती है 1 हेक्टेयर मैरीगोल्ड लगाने के लिए। बॉटनिकल नेम ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड, तो दोस्तों टेजिटस पटुला है फ्रेंच मैरीगोल्ड। कैसा है, टेजिटस पटुला है। और जो दोस्तों टेजिटस पटुला जो होता है ये टेट्राप्लॉयड है। कैसा है दोस्तों, टेट्राप्लॉयड है, बट ये ड्वार्फ होता है। कैसा होता है, ड्वार्फ होता है। ग्लैडुलस इज द मेंबर ऑफ फैमिली इरिडेशी में आता है, तो दोस्तों आपके लिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इरिडेशी फैमिली में और कौन सा प्लांट आता है, तो इसका आपको, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बेस्ट स्टाइल ऑफ गार्डन हैज नेचुरली स्टिक इफेक्ट इन दर व्यू, तो दोस्तों इनफॉर्मल गार्डन होता है, इसको अनडिस्टर्ब गार्डन बोलते हैं। इनफॉर्मल जो जहाँ जैसा है वैसा पड़ा रहता, बस चलो ब्यूटी दिखा दो, तो ये नेचर के जैसा होता है, जैसा मतलब जैसे कि नेचुरली ऐसा बन गया है, तो इनफॉर्मल गार्डन को बोलते हैं। आप अ सीरीज ऑफ आर्चेज इन द गार्डन इज नोन एज, तो दोस्तों जो पाथ होते हैं गार्डन के, उनके ऊपर एक जो आर्च बन जाते हैं, तो उनको आर्चों के कारण पूरा पाथ को कवर कर देता है, उनके ऊपर क्लाइंबर छा जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, परगोला बोलते हैं। क्यूनिकुलस इंडिका इज ए क्लाइमर है दोस्तों, इसको रंगून क्रीपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंगून क्रीपर, क्यूनिकस इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमर है दोस्तों। द बिगेस्ट इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट इज लोकेटेड एट अल्समीर में है दोस्तों, अल्समीर नेदरलैंड। मोस्ट कॉमन एंड प्रॉब्लमेटिक वीड ऑफ लेकोन इज, लेकोन में जो होता है दोस्तों किसको बोलते हैं अपन, ये लान को है, तो
तो लान में जो सबसे प्रॉब्लम है वो कौन सा बीड है? मोता है, याद रखिए क्या है दोस्तों, मोता है, साइप्रस रोटेंडस है। कौन सा है फ्रेंड्स? साइप्रस रोटेंडस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ जैस्मिन इज ग्रोन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल? तो जैस्मिन ऑरिकुलेटम जो होता है दोस्तों, जो उसके एक्सट्रैक्शन ऑयल के लिए इसको ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन, जैस्मिनम सांबैक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फ्रेंड्स। से डाहलिया इज प्रोपगेट तो भाई दोस्तों ट्यूबरस रूट के से प्रोपगेशन होता है इसका। किससे? ट्यूबरस रूट के से इसका प्रोपगेशन होता है। सोनार बंगला इज द वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेम बिलोंग टू द ग्रुप। तो दोस्तों जो सोनार बंगला है पंपन ग्रुप के अंदर आता है। कैसा? पंपन ग्रुप के अंदर आता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लांटिंग बल्ब इन ट्यूबरोज इन नॉर्थ इंडिया? तो दोस्तों जैसे मार्च अप्रैल में भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में उसमें इस टाइम पानी नहीं होता है, लेकिन इस ये साउथ इंडिया में करते हैं मार्च अप्रैल। लेकिन इस करेक्ट इसमें कौन सा है? जून जुलाई, एट द ऑनसेट ऑफ मानसून। ट्यूबरस कल्टिवार श्रीनगर और श्रृंगार प्रोड्यूस टाइप ऑफ फ्लावर? तो दोस्तों सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, सिंगल फ्लावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन? तो कौन सा दोस्तों, ये रेनी सीजन है। कौन सा? बालसम। बाकी कोचिया, गलाडिया, स्वीट सुल्तान, ये सब कैसे हैं? ये सभी समर सीजन के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावर प्लांट इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस? सॉरी, सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। तो कौन सा दोस्तों? स्वीट पी है। स्क्रीनिंग के लिए, अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है, स्क्रीनिंग पर्पस के लिए। विच फ्लावर इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग? तो दोस्तों ड्राइंग के लिए कौन सा है? एक्रोक्लिनम है। कौन सा होता है दोस्तों? एक्रोक्लिनम होता है ड्राइंग पर्पस के लिए। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों कौन सा है? नेदरलैंड। कौन सा है? लेकिन आजकल कहीं कहीं दोस्तों इसका आंसर बेल्जियम भी मिलता है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ गार्डन? तो कौन सा दोस्तों? बेंगलोर को बोलते हैं। इसमें कौन सा? इसमें लालबाग गार्डन है। कौन सा लालबाग गार्डन है? इसमें ये फ्री स्टाइल गार्डन है। इसमें दोस्तों फ्लावर क्लॉक है। क्या है? फ्लावर क्लॉक। रॉक गार्डन इज लोकेटेड एज? रॉक गार्डन कहाँ पर दोस्तों? चंडीगढ़ हरियाणा में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ हरियाणा में है। बारादर इज कैनोपीड स्ट्रक्चर विद द 12 डोर्स? तो आपने देखा होगा दो दोस्तों बारादरी में चार 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 और चार, चारों तरफ चार चार दरवाजे होते हैं, जो टोटल 12 दरवाजे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ कोरिएंडर? तो राजेंद्र क्रांति ये कोरिएंडर की वैरायटी नहीं है, बाकी पंथ हरितमा है, इशार सुगंधा है, और जो ग्वालियर नंबर 5365 भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल स्विमिंग टाइम ऑफ क्यूमिन? तो दोस्तों क्यूमिन को जो एक्चुअल इसका है नवंबर मंथ है इसका स्विमिंग का। कौन सा है दोस्तों? एक्चुअल नवंबर मंथ है, लेकिन मिड अक्टूबर, मिड नवंबर तो मिड दिसंबर इसमें दिया है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। ये बहुत क्लोज आंसर है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा अर्ली के हिसाब से मिड अक्टूबर मिड नवंबर लगाऊंगा, चाहूंगा। व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट केजी पर हेक्टर ऑफ कोरिएंडर अंडर द इरिगेटेड कंडीशन? तो दोस्तों इसमें इरिगेटेड कंडीशन में कितना होता है? 15 से 20 केजी होता है। कितना होता है दोस्तों? 15 से 20 केजी होता है। तो याद रखिए, सुप्रभा एंड सुगंधा आर द वैरायटी ऑफ जिंजर की वैरायटी है। किसकी फ्रेंड्स? ये दोनों जिंजर की वैरायटी है, सुप्रभा एंड सुगंधा। व्हाट इज द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ फेनुग्रीक? तो दोस्तों फेनुग्रीक की सीड रेट कितनी है? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। कितना है फ्रेंड्स? 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर है। विच प्लांट पार्ट ऑफ क्लोव इज यूज्ड एज ए स्पाइसेस? तो दोस्तों क्लोव जो होते हैं, जिसको हम लवंग बोलते हैं, तो इसका फ्लावर बड इसका एज ए इकोनॉमिकल पार्ट यूज किया जाता है। क्या? फ्लावर बड एज ए इकोनॉमिकल पार्ट यूज किया जाता है। तो
कोरिएंडर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिएंडर इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। तो दोस्तों कोरिएंडर किस में आता है, अम्बेली फेरी फैमिली में आता है। किस में आता है, अम्बेली फेरी फैमिली में आता है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया अंडर द सीड स्पाइसेस, तो राजस्थान में आता है। सबसे ज्यादा सीड स्पाइसेस राजस्थान में होते हैं, जैसे मेथी है, कोरिएंडर है, जीरा, अजवाइन वगैरह सभी में राजस्थान में होता है। एलोवेरा इस प्रोपेगेट थ्रू सकर से प्रोपेगेशन होता है। दोस्तों जो प्लांट्स के साइड से जो निकलते रहते हैं उनको सकर से बोलते हैं, तो इसी के सकर से इसका कमर्शियल प्रोपेगेशन होता है। लेमन ग्रास ऑल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, आपको पता है जब ग्रास है तो लीव्स होता है इसमें मनली, तो जो ग्रास ही है तो इसमें लीव्स एज इकोनॉमिकल पार्ट यूज किया जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। द हस्क टू सीड रेशो ऑफ इसाबगोल बाय द वेट बेसिस, तो दोस्तों जो इसाबगोल का सीड होता है वो 75% होता है और हस्क कितना होता है, 25% होता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25% का रेशो होता है इसमें। लीव्स ऑफ प्लांट है स्वीट टेस्ट, तो दोस्तों आपको देखा आजकल स्टीविया मार्केट में मिलता है, इसकी मीठी पत्तियां होती हैं, तो इसीलिए इसको शुगरलेस शुगर बोलते हैं, जो डायबिटीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्वीट है। हाउ मच ईल ऑफ रॉ ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम क्रॉप, तो दोस्तों जो ओपियम की रॉ ओपियम कितना होता है, 20 से 30 किलोग्राम केजी पर हेक्टर प्राप्त होता है। किसका, 20 से 30 केजी पर हेक्टर प्राप्त होता है रॉ ओपियम। ईयर लेयरिंग इज सुटेबल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ लीची, तो दोस्तों इसे लीची इंडिया में गुटी और चाइना मार्कोटी बोलते हैं, याद रखिए। डाउनी मिल्डी ऑफ ओपियम पॉपी कैन बी कंट्रोल कंट्रोल बाय स्प्रेइंग ऑफ, तो रिडोमिल से कंट्रोल करते हैं। कैसे दोस्तों, रिडोमिल MZ होता है पूरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम वेजिटेबल, तो दोस्तों आपको पता है नॉल कॉलेज स्टेम वेजिटेबल होता है। पेक्टिन प्रेजेंट इन द एमेच्योर फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ, तो किसमें किससे फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो प्रोटोपेक्टिन होता है, यही प्रोटोपेक्टिन बेक्टिन करके पेक्टिन बन जाता है। तो ये इसका कौन सा फॉर्म है, प्रोटोपेक्टिन है। बॉटनिकल नेम ऑफ जेरेनियम इज, तो क्या है, पेलारगोनियम ग्रेव्युलेंस है, क्या है, पेलारगोनियम ग्रेव्युलेंस है इसका बॉटनिकल नेम, डी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है दोस्तों, ये लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, दोस्तों बहुत सिंपल, गोल्डन रिवोल्यूशन जो किससे, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग सिस्टम इज पॉपुलर इन द ऑर्चर्ड ऑफ, तो दोस्तों ये साउथ इंडिया में स्पेशली पॉपुलर होता है, किसमें, कोकोनट के फील्ड में, तो याद रखिए कौन सा, कोकोनट फील्ड। डायोसिस सिक्स फॉर्म इज फाउंड इन, तो दोस्तों इनमें से बेर बेर मैंगो आमला इस सब मॉन्सेस होते हैं। रेड फॉर्म इज द ओनली डायोसिस प्लांट, कैसा, डायोसिस प्लांट, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप, तो सेल्फ पॉलिनेटेड कौन सा है, दोस्तों इनमें से कोई सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं है, बट ब्रिंजल ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, बाकी सब तो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो ब्रिंजल इज द करेक्ट आंसर। सिट्रस अनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, तो सिट्रस अनेंसिस किसका है, स्वीट ऑरेंज का है, किसका है दोस्तों, स्वीट ऑरेंज का है। मैंडरिन का कंफ्यूज नहीं होता, उसका रेटिकुलेटा होता है, मैंडरिन का याद रखिए फ्रेंड्स क्या होता है, रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग ऑफ, तो पोमग्रेनेट है, सपोटा है, ग्रेप एंड कैश्यू, तो दोस्तों स्पेशल फ्रूट्स के लिए कौन से प्रूनिंग करते हैं, तो इसको ग्रेप में करते हैं, इसको फ्रूट प्रूनिंग भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो याद रखिए इसको। बेल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, तो बेल किस फैमिली में आता है, रूटेसी फैमिली में आता है फ्रेंड्स, किस में आता है, रूटेसी फैमिली में आता है। याद है कि रामनेशियम बार आता है, टीलेशियम पालसा आता है, मिशेसी में बनाना आता है। पाइनएप्पल इज द बेस्ट सुटेबल अंडर द बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, तो पाइनएप्पल ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा होता है दोस्तों, किसमें, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा होता है। तो दोस्तों ट्रॉपिकल और कौन सा है, जैसे मैंगो है, बनाना है और जैक फ्रूट है, ये सभी ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल में क्या है दोस्तों, जैसे लीची है, लौकाट है, गावा है, ग्रेप है, ये सभी सब ट्रॉपिकल हैं। टेम्परेट में एप्पल, पियर, क्वींस और जो भी है चेरीज हैं, सारी किस्म टेम्परेट में। एरिड में कौन कौन सा आता है दोस्तों, बेर आ जाता है अपना, फालसा आ जाता है, डेट पाम आ जाता है, ये सभी किरनी वगैरह एरिड में आते हैं।
द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज इन द वर्ल्ड इज तो तमिलनाडु का है दोस्तों। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसका है? तमिलनाडु का है। आंवला इज अ नेटिव ऑफ इंडिया है, या तो पहले इसको इंडो बर्मा इसे जब बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इंडो बर्मा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अर्का सैन इज अ कल्टीवार ऑफ, तो अर्का सैन किसका कल्टीवार है फ्रेंड्स? कस्टडेपल का है। किसका है? कस्टडेपल का है। और जो बनाना के सबसे ना इम्पोर्टेंट कल्टीवार कौन से हैं दोस्तों? तो ड्वार्फ कैवेंडिश है, बरसाई है, और इसके अलावा नेंद्रन है, पुअन है, मंथन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर कल्टीवार हैं। पोमिगेटर अंडी वगैरह गवा के भी बहुत सारे हैं, मधुला वगैरह, लखनऊ 49 गवा। बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ट्री इज रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर इनिशिएशन, तो दोस्तों इसमें सबसे ना चिलिंग रिक्वायरमेंट में देखो, ये इसमें किसी को चिलिंग नहीं चाहिए, एप्पल को चाहिए बर्ड ब्रेकिंग डोरमेंसी के, बर्ड की जो डोरमेंसी उसको ब्रेक करने के लिए। गावा इज अ रिच इन पेक्टिन दोस्तों, तो ये इसी में दो बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। गावा इज रिच इन पेक्टिन, ये गावा के ऊपर तीन चार चार पांच क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है गावा। वायबिलिटी ऑफ सीड कैन बी डिटरमाइन द एक्साइज एम्ब्रियो टेस्ट से हो जाता है, प्रोटीन इलेक्ट्रोप्रोसेस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट से हो जाता है, तो ऑल इज द अबव करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज अ विंड ब्रेक इन द ऑर्चर्ड, तो दोस्तों देखो डलबर्जिया सिसु भी हो जाता है, एलबर्जिया एक्सिस होता है, सीजीएम कमी नहीं हो जाता है, सोपोस जूलीफेरस हो जाता है। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन है, ए एंड सी, तो 100% कम है, कंफर्म है। और जो प्रोसोपिस का जो होता है इसको भी हम एज ए विंड ब्रेक के यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो होता है इसको हम एज ए विंड ब्रेक यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ब्रांचें हैं बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, जिससे अनवांटेड खेत को भी बहुत खराब करता है और उसकी हाइट भी बहुत कम होती है। तो करेक्ट आंसर डी है फ्रेंड्स। विच फ्रूट क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग इज इन सॉइल विथ हाई पीएच, तो दोस्तों इनमें देखो सभी को बहुत ज्यादा पीएच में ग्रो कर सकते हैं, बट डेट पाम के बाद बर का जो बेस्ट ऑप्शन आता है कि जो बेर होता है हम उसको भी बहुत ज्यादा पीएच पे ग्रो कर सकते हैं, मतलब ये साल टॉलरेंट क्रॉप है। विच इरीगेशन मेथड कैन कंट्रोल वीट मोस्ट इफेक्टिवली, तो ड्रिप इरीगेशन है, क्योंकि दोस्तों इसमें बूंद जो होती है डायरेक्ट रूट के पास जाके, और सॉरी प्लांट के बेस के पास गिरती है, रूट के पास में, तो ये ज़्यादा दूर तक इसके पानी का फैलाव नहीं होता है, तो ड्रिप इरीगेशन से वीट मोस्टली इफेक्टिव कंट्रोल हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेंस कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, तो दोस्तों अगर कार्प मीन्स फ्रूट होता है, अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो विदाउट फर्टिलाइज तो पार्थेनोकार्पी कहेंगे, और वहीं अगर सी डेवलप हो रहा है तो इसको एपोमिक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? एपोमिक्सिस कहेंगे। विच फ्रूट प्लांट इज सुटेबल फॉर द प्लांटिंग एज ए फ्लावर प्लांट इन द ऑर्चर्ड, तो पपाया बेस्ट बेस्ट है। कौन सा दोस्तों? पपाया, लेकिन आजकल कस्टापल भी लगाते हैं, लेकिन पपाया इज द बेस्ट फ्लावर प्लांट है, पपाया पालसा। एरिल इज इडिबल पोर्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, तो फोमिगेट है दोस्तों, लेकिन इससे भी अगर ऐसा लीची ऑप्शन होता दोस्तों तो हम लीची आंसर देते, क्योंकि लीची में एरिल ज्यादा डेवलप होता है, फोमिगेट में कम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉड लीफ वीड, तो 2,4-D, सभी जानते हैं लोग दोस्तों इसको, क्या आंसर है? 2,4-D। केरेंथिन इज इफेक्टिव फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पाउडरी मिल्डू होता है, किससे होता है दोस्तों? केरेंटिन किसको कंट्रोल करता है? पाउडर मिल्यू कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो दोस्तों इनमें सब में स्टार्च ज़्यादा होता है, लेकिन टेपियोका में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जितने भी रूट क्रॉप्स होते हैं टेपियोका भी इसमें से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस स्कर्वी डिसीज, तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, किससे दोस्तों? विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी रतौंधी होता है, इसको नेट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, विटामिन डी से इसको पेलेग्रा बोल सकते हैं, और इसको विटामिन ई से स्टेरिलिटी आती है। एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो एब्सिसिक एसिड किसके रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स?
सेनेसेंस के लिए, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा लाने के लिए प्लांट में इसके पत्ते गिराने के लिए एब्सिस एसिड जिम्मेदार होता है। सी लेसिन बनाना इज ड्यू द वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है, बनाना में क्या होता है दोस्तों, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होती है। वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल अंडर ऑफ सीजन। नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट लीड्स टू, तो दोस्तों नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या होता है, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होता है, इससे पत्तियां पीली पड़ने लगती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। ग्रेप इज अ रिसोर्स ऑफ, दोस्तों सभी जानते हैं टार्टरिक एसिड ग्रेप से एक्सट्रैक्शन होता है कमर्शियल रूप से, तो ये टार्टरिक एसिड कैसा है, ग्रेप्स का रिसोर्स है। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ग्रेप में पाया जाता है। पोमगेट कल्टीवार अलैंड इज अ सॉफ्ट शेडेड कल्टीवार है, कैसा दोस्तों, सॉफ्ट शेडेड कल्टीवार है, कैसा है, सॉफ्ट शेडेड कल्टीवार, सॉरी फ्रेंड्स जो अलैंडी है वो हार्ड सीडेड कल्टीवार है, कैसा फ्रेंड्स, हार्ड सीडेड कल्टीवार है, याद रखिए फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अलैंडी है जो कैसा है दोस्तों, हार्ड सीडेड कल्टीवार है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कन्फ्यूजन में मैं सब शेड बोल दिए। सीड्स ऑफ विच फ्रूट प्लांट लूज देयर वायबिलिटी बेस फ्यू डेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फूड, तो दोस्तों हमने बताया था है, मैंगो है, सिट्रस है, जामुन है, ये रिकल्सिटेंट सीड है, इनके अगर जैसे ही मॉइस्चर कम हो जाएगा ये धीरे धीरे इनकी वायबिलिटी भी खत्म होती जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, बहुत बार डिस्कस हो चुका है दोस्तों, हमने हमारे पिछले सारे वीडियोज में इसको डिस्कस किया है, तो कौन सा कस्टर्ड एप्पल है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से, ये तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर इसको तो हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, लेकिन जब हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लाते हैं तो हम इसके चारों आंसर डिस्कस करते हैं, चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको वो भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके देते रहेंगे और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे सारे वीडियोज आपको समय से पहुंचते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू, तो मैंगो ड्रॉप होता है करेक्ट है, गावा बेरी होता है ये भी करेक्ट है, बनाना बेरी होता है ये भी करेक्ट है, एप्पल पोम होता है, कैसा होता है दोस्तों, पोम फ्रूट होता है, पेपो तो हम वाटरमेलन वगैरह को बोलते हैं दोस्तों, तो एप्पल पियर पीच सॉरी क्वींस लॉकार्ट ये कैसे होते हैं, पोम होते हैं। द बेसिक क्रोम नंबर ऑफ मैंगो कितना होता है, 10 होता है, क्योंकि 2n इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 40 होता है, तो इसका बेसिक कितना रहेगा, इसका 10 रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज लार्जली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मैंगो, मैंगो बहुत एक्सपोर्ट होता है इंडिया से दोस्तों, कितना, मैंगो बहुत एक्सपोर्ट होता है। केनो इज अ क्रॉस बिटवीन, तो दोस्तों जो किन्नू है वो किसका है, किंग मैंडरिन एंड ब्लू लिप मैंडरिन का है, इसको एचबी प्रोस्ट ने 1935 में इसको डेवलप किया था और 1959 में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों किन्नू। ललित इज अ वैरायटी ऑफ, दोस्तों ललित किसकी वैरायटी है, गावा की वैरायटी है, याद रखिए कन्फ्यूज नहीं होना, ललित इज अ वैरायटी ऑफ गावा। डॉर वैरायटी ऑफ मैंगो सूटेबल फॉर किचन गार्डन, आम्रपाली है दोस्तों, आम्रपाली है। जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी ऑफ बनाना, इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ड्वार्फ कैवेंडिश का जीनोमिक ग्रुप क्या होता है। दोस्तों हम इतना बता सकते हैं कि ट्रिप्लोइड होता है और आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नीलम इनटू अल्फांसो आर द पेरेंट ऑफ, तो किसके, रत्ना, आरएनए होता है इसका शॉर्ट जो है आरएनए नीलम इनटू अल्फांसो। पॉलीएम्ब्रोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो इज, तो चंद्रकरण है दोस्तों, बॉम्बे ग्रीन है, नीलम, केसर, ये सभी कैसे हैं, मोनोएम्ब्रोनिक है, तो चंद्रकरण इज अ पॉलीएम्ब्रोनिक वैरायटी। इन मैंगो हाउ मच परसेंट ऑफ फ्लावर शेयर फ्रूट एंड रीच अप टू मैच्योरिटी, तो दोस्तों जितना टोटल 100 का 0.1% ही ओनली मैच्योरिटी तक पहुंच पाता है, बाकी सभी किसी न किसी स्टेज पर गिर जाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो, तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया में भी जैसे ही फ्लावरिंग अब शुरू होगा जनवरी फरवरी में, जैसे ही हमारी सर्दी खत्म होते है फ्लावरिंग शुरू हो जाता है। और दोस्तों अगर यहीं पर अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर में ये शुरुआत हो जाती है यहाँ पर फ्लावरिंग की,
क्योंकि यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट है मैंगो के लिए, यहाँ अर्ली फ्लावरिंग होती है। बट जनवरी फरवरी इज़ द करेक्ट आंसर है नॉर्थ इंडिया में, कभी कभी तो मार्च तक भी इसमें फ्लावरिंग जाती है। रैपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज रेस्टेंड बाय द यूज ऑफ, तो दोस्तों इसमें किससे जल्दी लाने के लिए क्या करते हैं, इथेफोन और इथिलीन का स्प्रे करते हैं, इथिलीन चैम्बर में इसको डाल देते हैं हार्वेस्ट करके तो रैप हो जाता है। हाउ मच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रूट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन मैंगो, तो दोस्तों मैंगो 1.01 से 1.02 तक इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और दोस्तों स्पेसिफिक जो अल्फांसो वगैरह के लिए एक होती है, सॉरी अल्फांसो के लिए ये, बाकी दशहरी वगैरह के लिए एक होती है। तो याद रखिए बीच वैरायटी ऑफ मैंगो इज रेसिस्टेंट टू मैंगो माल फॉर्मेशन, तो बहादुर इतनी बहादुर है दोस्तों ये सब माल फॉर्मेशन होता ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, तो रत्ना भी हाइब्रिड है, नीलपांसो अम्बिका सब हाइब्रिड है, हिमसागर दोस्तों ये सिंपल वैरायटी है। तो दोस्तों ये था REHO 2013 का पेपर है जो हमने आपको इसको सॉल्व कराया है, और आपसे अनुरोध है फ्रेंड्स के हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, हम इसमें सारे जो आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू दोस्तों आपको देखने के लिए।